हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी वाइंस। आई होप आप सेफ होंगे और खुश होंगे। और आज है वेनसडे और कल दिवाली है, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है और मैं ब्लॉग नहीं कर पाई मॉर्निंग से, बिकॉज मैं बिजी थी किसी काम से, यू नो, और साइमल्टेनियसली ऑफिस को भी काम चल रहा है। सो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ एंड ये है मेरा किचन। मैं ये देखो मेरा किचन, हमारा किचन मतलब, और ये है सब अभी बैठे हुए। और ये है हमारा स्टोर रूम। सो चीज़ें ये हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे रामलीला होती है एंड रामलीला कल हमारा ख़त्म हो गया और आज वहाँ पे मेला है। सो आज हम मेले में जाने वाले, हम तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज अब बहू है हम लोग, तो हम लोग जा नहीं सकते, बट हाँ बच्चे जाने वाले, तो मैं आपको वहाँ पे अगर पॉसिबल होगा तो वीडियोस में आपको जरूर शेयर करूँगी। अभी देखो मेरा फेवरेट बेटा आ रहा है, कम कम कम, आ जाओ, ये है वन ऑफ माई बेस्ट बेटा। ये मेरा सपोर्टिव है बिकॉज जब शादी करके आई थी आई वॉज अलोन, बिकॉज ओब्वियसली न्यू घर में आते हैं और आपको फ्रेंड्स मिलना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप बनाना शुरू करते हैं। एंड ही वॉज द पर्सन हुज माई हार्ट एंड ऑलवेज सपोर्ट मी एनी थिंग। एंड यू नो हम लोग मिल के अंडे बनाते हैं, क्यों ये और हम लोग मिल के अंडे बनाते हैं। सो अगर पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जरूर मेले का जो भी क्लिप होगा मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे, अगर पॉसिबल हो जाता है। लेट्स सी, कर दूंगी, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं मेले के समय, बाय। वानी ये सोई है और ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का काम शुरू चालू कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी जी सोती हैं, तैयार है। सो फीलिंग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो फेस्टिव्स है और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि आई थिंक ये मेरी वानी की बात पहली दिवाली है, मतलब जब शादी करके आए थे मैंने तो पहली दिवाली यहाँ की थी एंड उसके बाद जब से वानी हुई है तब से ये पहली दिवाली है, वानी की पहली दिवाली है दादाजी के यहाँ से। क्योंकि मैंने क्या किया, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन, सो आई हैव नो टाइम टू स्पेंड मोर टाइम विद लाइक ससुराल में और मैके में। सो मैंने क्या किया कि दो फेस्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एवरी ईयर, दैट्स अ दिवाली एंड होली। सो आई ऑलवेज डिवाइड कि एक एक जो फेस्टिव्स होता है वो दादा के यहाँ करे और एक जो फेस्टिव्स होते हैं वो नानी के यहाँ करे। सो आई मोर प्रीफर टू गो नानी के हाउस, मतलब अपने मम्मी घर फॉर दिवाली, बिकॉज यू नो दिवाली की छुट्टी बहुत कम होती है फॉर इंटरनेशनल कंपनी एंड दे आर नॉट गिविंग मी द मोर देन टू डेज हॉलीडेज। तो अब घर से काम करना है, दैट्स वाई आई प्रीफर टू गो नानी हाउस, मतलब मेरी मम्मी के घर पे। बट दिस टाइम वी आर ड्यू टू सम सिचुएशन, आई टेल यू व्हाट द सिचुएशन वेरी सून, बट ड्यू टू सम सिचुएशन आई एम नॉट गेटिंग एनी हॉलीडे एंड लीव। सो हमने प्लान किया कि फॉर द सेक ऑफ वानी की हम दादाजी के पास आते हैं एंड हाउ विल मैनेज सम हाउ कि कैसे काम करना है। सो दिवाली के बाद जब आने के बाद आई एम वेरी हैप्पी एंड मोर एक्साइटेड गोइंग टू फॉरवर्ड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन द नेक्स्ट डे एंड व्हाट्स गोइंग ऑन द दिवाली, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड इवन मेरे से ज़्यादा वानी बहुत इन्जॉय कर रही है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। द वानी बहुत इन्जॉय कर रही है, शी लाइक ये है ओपन है दीदी और अपने भैया के लिए, मतलब वो होता है ना कि दीदी भैया उसको मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया एंड शी इज़ एन्जॉइंग अ लॉट एंड आई वॉन्ट दिस वन। अगर बच्चे खुश हैं तो बड़े अपने आप खुश हो जाते हैं, दिस इज थिंग्स विच आई बिलीव इट। सो यस, अरे ये है मेरा बिट्टू, अरे ये है मेरी बिट्टी रानी। So I'll soon, very soon, if it is possible, I'll share the Mela's videos also simultaneously along with this video. But definitely मैं video share करूँगी। Bye bye. दो, ये क्या? मुझे दाढ़ी ब्रश दो। ब्रश मेरे पास का? वो तो भैया ने ब्रश दे दिया ना बाबू भैया को। रुको मैं भी ड्राइंग करूँ। चाची, ब्रश दो। ब्रश मेरे आपको मैंने कल ब्रश दिया था ना, वहाँ पे आप ड्राइंग कर रही थी, बुक में कहाँ रखा ब्रश? मैंने कल आपको दिया था ना बेटा, वो वाला मोबाइल रख दिया, कौन सा? पिंग आईडी वाला। हाँ
पानी वाला रखे इधर ही है लेकिन चार्ज चलो सूरत को जो भी घर जाके करना है। चाची ब्रश कहाँ है? ब्रश मुझे नहीं पता बेटू। सुनो ये सब पता कहाँ पे है। हॉल में देखूँ ये बात का मैं वीडियो नहीं बना पाई और ये क्लिप मैंने डाला था कि बच्चे कैसे मिट्टी पे खेल रहे हैं और यहाँ वानी को मिट्टी में खेलना पसंद आया। होता है ना कि अब जब सिटी में रहते हो फ्लैट में तो चार दीवारी में बंद रहते हो और आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है और बोलते हैं कि बच्चे जब तक मिट्टी से ना खेले तो उनकी मजबूती नहीं होती। इसलिए पता है अभी की जनरेशन कैसी है कि बहुत ज़्यादा की जनरेशन ये है कि चार दीवारी में बंद रहते तो आपकी मजबूती नहीं रहती है और गांव में क्या रहता है मिट्टी में खेलना रहता है, शुद्ध दूध मिलता है, जो पानी होता है वो भी प्योर होता है और आपको ये भी पता ही होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिटी में रहते हैं। मतलब वहाँ में उनको प्रोटीन नेचुरली मिलता है, उनको वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो नॉन पोल्यूशन होते हैं। मतलब एवरीथिंग यू विल गेट गुड थिंग्स इफ़ यू आर बिलोंग्स इन रिमोट एरिया एंड इसलिए हम चाहते थे कि वानी भी वहाँ जाए, जितने भी दिन में जाए वो वहाँ पे इंजॉय करे एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। आपको दिख ही रहा है मिट्टी से खेल